नमस्कार मित्रों, तो मौजूद हुए हैं एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो इन कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी कर्मचारियों से जुड़ी हुई आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो HRTC कर्मचारी नाखुश, परिवहन मंत्री ने कही रटी रटाई बातें, मांगों पर नहीं लिया गया फैसला। धर्मशाला में पिछले कल हुई HRTC BOD की बैठक से HRTC संयुक्त समन्वय समिति खुश नहीं है। संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव खेमेंदर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि परिवहन मंत्री ने पहले की तरह इस बार भी BOD की बैठक के बाद रटा रटाया बयान दिया, जबकि कर्मचारियों की मांगों पर BOD की बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने चेताया है कि अगर HRTC कर्मचारियों को जल्द छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ अन्य वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं तो फिर HRTC आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। इसके अलावा हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर चौहान, उपाध्यक्ष पूर्णचंद शर्मा, सचिव श्री खमेंद्र गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि HRTC कर्मचारियों को इस बैठक से पूर्ण उम्मीद थी कि लंबित पड़े देय वित्तीय देनदारियों की घोषणा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि परिवहन मंत्री का बयान पूर्व की भांति रटा रटाया कर्मचारियों को छोटे बच्चे की तरह ठगने वाला है, क्योंकि 2 से 3 महीनों के पश्चात तो सरकार को चुनाव में जाना है, तब तक किसी तरह कर्मचारियों को गुमराह कर कर्मचारियों से छल करना ही परिवहन मंत्री का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। परंतु कर्मचारी अब इस प्रकार के आश्वासनों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वहीं समन्वय समिति ने पूर्व में अपना प्रस्तावित आंदोलन इसलिए स्थगित किया था कि परिवहन मंत्री ने कुछ कर्मचारी संगठनों से बात कर आश्वासन दिया था कि HRTC के सभी कर्मचारियों की श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जून जुलाई में दे दी जाएंगी, परंतु ऐसा कुछ न हो सका, जिस कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इसलिए समन्वय समिति शीघ्र ही बैठक कर आगामी निर्णय लेगी। तो यही थी बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश के HRTC कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ इनको नहीं दिए जाते हैं तो ये कर्मचारी फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। तो यही थी बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।